गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैंने जस्ट अभी नहाया है। पानी नहीं आ रहा था, मैं सुबह से पानी का जुगाड़ कर रही थी, तो यहाँ पे लिटरली अभी पानी नहीं आ रहा है गांव में, क्योंकि बारिश की वजह से काफ़ी टूट फूट हो चुकी है रास्ते वगैरह, तो पानी के पाइप वगैरह सब टूट चुके हैं। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ अपने मायके का हाउस टूर, क्योंकि फिर मेरा जाने का भी टाइम आने वाला है। तो मैंने सोचा चलो जाने से पहले मैं अपने आप लोगों को जो है हाउस टूर करा देती हूँ। और मम्मी और दादा बना रहे हैं घास का लूटा यानी कि गाजियों का, तो वो दिखाती हूँ। मैं मम्मी डाल रही है और दादा मम्मी को दे रहे हैं। तो चलिए पहले मैं आप लोगों को वो दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे है मम्मी, दादा और भाभी, ये लोग बना रहे हैं लूटा। इतना घास काट रखा है मम्मी ने, अभी बहुत सारा काटना है, तो इस तरीके से कुछ लूटा बनाया जाता है। ये देखो मम्मी है टॉप पे और भाभी बांध रही है और दादा दे रहे हैं मम्मी को। और कुछ लोगों ने यहाँ पे डाल रखे हैं लूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छत से। तो छत पे तो बहुत सारा लिटरली कबाड़ है। ये है दाल और सोयाबीन, ये है सोयाबीन सारे, और ये है और ये है रागी का जो वो होता है घास होता है, और ये है रागी मडुआ। अभी इसको इसके दाने नहीं निकाल रखे हैं, ये देखिए ये है। और पीछे से मम्मी बकर बकर भी कर रही है। और उसके बाद यह है गहत, देखिए मम्मी का बहुत सारा काम बचा हुआ है अभी। तो यहाँ पे ना अभी बिल्कुल चलने लायक नहीं रखा, पूरा वो भर रखा है। और ये है उड़द, देखिए ब्लैक वाले। तो ये सारी मम्मी की घर की दाल होती है, तो मम्मी का ना बहुत ज़्यादा मतलब दाल वाल सब घर पे होता है, खरीदना नहीं पड़ता। और ये देखो सारी दाल है। और ये है ताईजी लोग का घर जो यहाँ पर नहीं रहते हैं, और ये बगल में हम लोग का पड़ोस है, यहाँ पर अम्मा लोग रहते हैं। और ये लोग, ये अम्मा है और ये हैप्पी है। अम्मा और बूबू भी अकेले ही रहते हैं, वो बगल में दूसरी अम्मा है। और ये देखो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो इस साइड से भी ये जो ये पूरा जो पत्थर वाला है इस पे कोई नहीं रहता है, जो दूसरा सीमेंट वाला है उस पे रहते हैं चाचा लोग। ऊपर मंदिर है जहाँ से मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी। और ये देखिए, तो ये पुराने वाले घर होते थे जो ये वाले पत्थर वाले हैं, लेकिन जो प्योर वाला घर होता है वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी। और ये देखो एक लूटा बनाने के लिए तीन तीन लोगों की मेहनत चल रही है, मम्मी दादा और भाभी। तो ये देखो मम्मी ने बना दिया है लूटा, ये है भाभी, ये है दादा, ये भाप से मिशू दीवी भाभी को भाभी बोल रही है, मामी नहीं बोल रही है। ये देखो ये है हमारे भाई साहब, बड़े कामदार भाई साहब है हमारे। ये देखो मम्मी को जो पहाड़ी लोग होंगे ना वो बोलेंगे यो। चलते हैं नीचे की तरफ, और चलिए बैक से दिखाती हूँ मैं अपना घर यहाँ से। तो ये है पीछे से जाने वाला रास्ता, और ये हैप्पी यहाँ पे पता नहीं क्यों खड़ा है। और ये है छत में जाने वाली सीढ़ियाँ जहाँ से मैंने अभी आपको दिखाया था। और वो देखो मैंने पाइप लगा रखा है रेड कलर का। और ये है दादा के कमरे का बैक साइड का डोर, और यहाँ से भी जाते हैं हम लोग। ये देखिए मम्मी ने फूल वगैरह लगा रखे हैं। तो ये जो वाला टीन वाला है ना, चलो मैं इसको अंदर से दिखा देती हूँ आपको। साथ में है अमरूद का पेड़, और बगल वाली अम्मा के बकरियाँ रो रही हैं। और ये देखिए मैंने पाइप लगा रखा है, कब से पानी ही नहीं भरा जा रहा है, क्योंकि पानी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इधर। लिटरली काफ़ी पानी आता था बट अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। और ये हैं पुराने वाले घर, तो इस वाले जो ये वाला डोर है इस पे हमारे भगवान जी हैं, गोलू देवता, और बगल में अम्मा की भैंस वगैरह हैं। और यहाँ पे सिर्फ वही अम्मा लोग रहते हैं, बाकी ये जो सारे घर खाली है इनमें कोई भी नहीं रहता है, सब अभी बाहर चले गए ना इसीलिए। पापा पानी आ रहा ये नहीं आ रहा क्या? ये है पापा। तो ये है दादा ने यहाँ पर मुर्गियाँ रखी है, अभी तो मुर्गी है ही नहीं लेकिन वो घूम रही है बाहर। तो इस वाले में रहते हैं बड़ी वाली, और इस वाले में रहते हैं छोटे वाले। लिटरली ये ना एक जहाँ पे धान कूटते हैं हमारा ओखल कहते हैं वो है, बट अभी यहाँ पे कोई ओखल नहीं कूटता है, तो ये हम लोगों ने इसको मुर्गी फार्म बना दिया दादा ने, क्योंकि दादा की मुर्गियाँ हैं। ये देखिए तो पहले यहाँ पर दो ओखल थे धान कूटने वाले, और ये कुछ स्टोर रूम टाइप का भी यहाँ पर कबाड़ भी रखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, और ये देखो पाइप, तो नीचे का दिखाते हैं पहले। ये है टॉयलेट बाथरूम, ये मिसका सिंह अभी उठ के आ रही है, इसका मुंह देखो। और ये है नाना और नानी, ये है नानी और ये है नाना। तो ये वाला है किचन,
तो पहले ना ये मम्मी ने इसको अपनी भैंस के लिए घास वास रखने के लिए बनाया था, उसके बाद फिर मम्मी ने इसको किचन बना दिया। तो अभी यहाँ पे जिस दिन से नामकरण हुआ ना तो बहुत सारा काम हो रखा है, तो ठीक ठाक कुछ गैस है यहाँ पे और मम्मी थोड़ा बहुत सामान है और कुछ कुछ यहाँ पे भी है। और ये देखिए नामकरण की पूरी अभी भी बची है, तो हमारी अभी भैंस खा रही है इसको, इन पूरी को। तो लिटरली काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गया था खाना, तो वही रखा हुआ है। तो कुछ ऐसा ही है, नीचे फर्श है और ऊपर मम्मी ने मिट्टी लगा रखी है ताकि मिट्टी इसकी, मम्मी इसकी पुताई करती रहती है। तो ये देखिए जो नीचे है ये फर्श है और ये है चूल्हा, इस पे जलाते हैं आग, तो कम ही जलाते हैं। ये केतली है, इस पे गर्म पानी रखा है मम्मी ने नानी के लिए। और एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको, तो कल मैं मेले से लेके आई थी ये टोकरी आटा रोटी रखने के लिए, बहुत सुंदर है ये, इस पे रोटियाँ ना गीली नहीं होती है, तो मैं इसको मम्मी के लिए गिफ्ट लेके आई थी। काफ़ी सुंदर टोकरी है ना ये देखो, तो इस पे ढक्कन भी है, तो ये रोटी रखने के लिए काफ़ी, रोटी या फ्रूट्स रखने के लिए बहुत सही रहती है। तो मैं ये लेके आई हूँ मेले से मम्मी के लिए, दशहरे के मेले से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये भी एक टॉयलेट है, बाथरूम था, बाथरूम तोड़ दिया है। ये है मुर्गी, मुर्गा, इसने अभी डी को गिरा दिया था। यहाँ पे बर्तन धो रखे हैं और पता नहीं भी खाना वाना खा रहे हैं। एक ये है, बाकी छोटे छोटे पुंतरे पंतरी, और ये दादी नानी ने भी कुछ किया था काम। ये है एक छोटी मुर्गी, बाकी पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ ये है, ये देखो। तो अब इस वाले में चलते हैं, इसमें है हमारे गाय नहीं भैंस और बकरी के बच्चे, बकरियाँ, तो इसमें चलते हैं। तो यहाँ पे भी अंधेरा ही देखो, ये शामू है, माँ बहुत मारता है तो मुझे दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। तो ये है हमारी भैंस, इसका नाम है भागुली, ये बहुत छोटी सी, मम्मी ने इसको पाल रखा है लेकिन अब मुझे डर लगता है इसे समझाने में। बाकी बकरियों के नाम मुझे पता नहीं है। ये है, इसका नाम शत्तू है मे बी, और ये पता नहीं क्या है, वो उधर को आपको दिखेगा नहीं। ये है बात की, शामू मत कर, और ये बहुत मारता है, ये बहुत गंदा है। के बाद ये है प्याज और आलू, नामकरण का बहुत सारा वेस्ट बचा हुआ है। ये है मीशू का स्ट्रॉलर जिसमें अभी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, ये डी से भी ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉलर है, इसको मैं लेके आई थी जब मीशू छोटी सी थी। उसके बाद आते हैं इस वाले कमरे में, ये है मम्मी का कमरा, और अभी इसमें छोटी बेबी और भी सोते हैं, तो यहाँ पर मीशू सोई थी क्योंकि यहाँ पर जो बेड था वो बाहर रखा है। तो ये है मीशू का झूला था, ये वो था। और गाइस प्लीज़, और ये कबाड़ इग्नोर करना, यहाँ पे सोई है हमारी छोटी सी बेबी, इसका तो मुंह भी ढका हुआ है। तो ये देखिए ये सोई हमारी लाडो, तो चलिए इसको कवर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे मक्खियाँ आ रही है। ये सो गई, और इसके अंदर भी एक कमरा है जिसमें मम्मी मट्ठा वट्ठा बनाती है, ये है मट्ठा बनाने वाली मशीन, और यहाँ पे एक फ्रिज होगा। ये देखिए यहाँ पे है फ्रिज, फ्रिज में तो पता नहीं क्या क्या रखा है, मुझे भी नहीं पता। तो ये देखिए टमाटर वगैरह रखे हैं, कागजी नींबू है, और पेठा है, तो चलो पेठा खा लेते हैं। और बाकी खटाई वगैरह ये है, बाकी उधर स्टोर सामान पता नहीं क्या, दाल वाल रखी है, ये है मट्ठा बनाने वाली मशीन, ये देखो। और ये वाला है ताईजी लोगों का घर, ताईजी लोग घर पे नहीं रहते, एक मिनट। ये है ताईजी लोगों का घर, जो कि ताईजी लोग रहते नहीं हैं। और ये जो तांबे के बर्तन हैं ये हमारे हैं क्योंकि ये अभी नामकरण के टाइम पे यूज़ हुए थे, तो पुराने गोट ऐसे होते थे। और यहाँ पे मम्मी ने घास रखी हुई है, देखो यहाँ पे मम्मी ने रखी है घास, और अंदर जाने में मुझे बहुत डर लगता है तो मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि मुझे सांप वांप का काफ़ी डर लगता है इधर। तो ये है इसका डोर, और कुछ नहीं है, कुछ ऐसा है यहाँ पे। ये वाला टॉयलेट बाथरूम अभी नया नए बने, कुछ महीने हुए इसको, ये नाना नानी मेरे बैठ रखे हैं, वही पौड़े। ये देखिए अब हम चलेंगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ से स्टार्ट होती सीढ़ियाँ, पहले यहाँ पे सीमेंट वाली रेलिंग थी उसको तोड़ दिया है। और ये है एक छोटा सा गेट, यहाँ पे भी सारे रूम ऐसे हो रखे हैं कबाड़, क्योंकि आजकल मम्मी को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा और शौच चल रहा है ना। ये देखिए पूरा बरामदे में कपड़े ही कपड़े टांग रखे हैं। तो पहले दादा का रूम दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, यह है फर्स्ट वाला दादा का रूम। तो यहाँ पे भी पापा सो रखे थे, तो ये भी ऐसे हो रखा है कबाड़ एकदम। यहाँ पे मीशो का एक टैडी है, ये देखिए ये हमारी फ़ोटो है, ये मैं और दादा हैं और भाभी है। तो ये देखिए हम दादा और मैं, और उसके बाद और दिखाती हूँ मैं आपको, यह है दादा की शादी की फ़ोटो, ये है, मैं थक गई। और यहाँ पे दिखाती हूँ
ये दादा और भाभी है, ये मेरा प्राइमर यहाँ पर रखा हुआ है, ये पापा सॉरी तो ये है मेरे पापा, मेरे पापा आर्मी से रिटायर है, ये मेरे दादा और भाभी हैं। और गाइस ये मैं हूँ जो व्लॉगिंग कर रही हूँ, हाय तो हैं। और ये दादा भाभी का ड्रेसिंग है, तो साफ़ नहीं आ रहा है पता नहीं क्यों, तो क्लीन नहीं हो रखा ना इसीलिए। उसके बाद ये है भाभी का कुछ सामान, एक मिनट यार काम भी नहीं करने देते हो। और ये है देखो मैंने डाला भाभी का कुर्ता, लिटरली मैं भाभी के कपड़े ऐसे पहन लेती हूँ, कोई मुझे मना नहीं करती है पहन वहनने के लिए, तो ये है। उसके बाद यहाँ पे आता है एक दादा का गोदरेज है, और ऊपर इनका ये है, तो अभी मैं आपको एल्बम भी दिखाऊंगी। उसके बाद ये दादा की शादी की फ़ोटो है, ये है दादा, और ये है मीशू, मीशू की बचपन की फ़ोटो बहुत सुंदर है, सारा जितने फ्रेम है ना सारे मैं बना के लाई हूँ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट रूम पे, यहाँ पे एक फराटा रखा हुआ है, ये है बालकनी जिसके रेलिंग्स अभी चेंज कर दिए हैं, पहले ऐसे नहीं थे। और ये हमारा पेड़ है, और वो है केले के पेड़, ये देखो दादा कितना। सेकंड रूम की तरफ, ये है हमारा सेकंड रूम, तो आज मैं इसमें से आपको एक ख़ास बात बताती हूँ। तो ये है वाला सेकंड रूम, इसमें एक बेड है और इसमें लाइट बड़ी कम है। ये देखो हमारी है फैमिली फ़ोटो और मेरी सगाई की फ़ोटो, और ये मतलब कोलाज बना रखा है, साथ में मीशू की फ़ोटो है, ऊपर दो कैलेंडर है मेरी सगाई और शादी के, वो देखो 2017-18 ये वाला सगाई वाला है, 17-18-19 वाला वो शादी वाला है। ये देखो हमारी सगाई की फ़ोटो बहुत अच्छी लग रही है, और ये सारे फ्लावर्स हैं, ये वाले मैंने बनाए थे जी पीछे हैं, मतलब बहुत बनाती थी मुझे अच्छा लगता था, अब तो नहीं बनाती हूँ मैं। ये अलमारी है, इसमें ऐसे सामान रखा हुआ है, और ये है पापा मेरे, ये देखिए। उसके बाद मम्मी बनाती थी दरवाजे, अंदर रूम है उसमें बहुत सारे कपड़े वपड़े हैं, तो आज मैंने ये बक्सा है ना इसको सोफ़ा बनाने के लिए बाहर, इसको मैंने सोफ़ा बनाने के लिए आज बाहर निकाल दिया, ये अंदर वाले कमरे में था, तो मैंने बोला इसमें ये किसी के सोने के काम भी आ जाएगा और बैठने के काम भी, क्योंकि हमारे जो सोफ़े हैं ख़राब हो चुके हैं इस टाइम पर। उस टाइम एक बार मैं आपको ये वाली दिखा देती हूँ फ़ोटो, ये देखो, अरे ये है मिशू, सारे मिशू की फ़ोटो है, मिशू पहले बहुत बचपन में बहुत क्यूट थी। उसके बाद ये है मम्मी पापा में, तो ये मेरी हल्दी की फ़ोटो है, और हम सबकी गोद में मिशू है। और ये देखो ये जो है मेरे फूल मैंने बनाए थे सारे, तो मैं आपको एक अपनी बचपन की फ़ोटो दिखाती हूँ। सो गाइस ये है मेरी बचपन की फ़ोटो, ये है मेरी आई थिंक 6th क्लास की फ़ोटो, जब मैं वैष्णो देवी गई थी पापा के साथ, तो मैं कैसी थी एकदम अलग ही मिजाज वाली। एंड गाइस मैं आपको एक और फ़ोटो दिखाती हूँ अपनी, ये वाली, हाहा कितनी सुंदर थी मैं, ये है। और एक और दिखाती हूँ फ्रेंड्स के साथ, ये है, ये मेरी फ्रेंड्स है और बीच में मैं हूँ, तो मैं कुछ इस तरीके की थी पहले। और ये मेरे पिताश्री हैं, इस रूम में फ़ैन नहीं लगा हुआ है क्योंकि इस पे फ़ैन का वो नहीं दिया, होल्डर नहीं दिया गया जो होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं दूसरे रूम की तरफ, तो यहाँ पे टेबल फ़ैन रखा हुआ है। हाँ ये मम्मी घूम रही है, पता नहीं कहाँ घूम रही है। तो यहाँ पे काफ़ी बिस्तर रखा हुआ है, यहाँ पे हैं सोफ़े, और ये सोफ़े ना जो है ख़राब हो चुके हैं, तो इसलिए बाहर निकाल दिए फेंकने के लिए। और ये मनी प्लांट मम्मी का, तो आजकल पता नहीं सूख रहा है शायद, पैसे वैसे नहीं है इसीलिए। अब चलते हैं इस रूम में, इस रूम में डी सोई हुई है, ये है भाभी का बेड और यहाँ सोई है डी, और ये है एक रूम हमारा, और अंदर वाले कमरे में वो डी छोटी बेबी के नाम का, मैं डलिया वगैरह आई थी ना तो अभी सेट नहीं कर रखे, तो अभी अंदर नहीं दिखाऊंगी। और ये है मम्मी पापा, एक टाइम पे ऐसे हुआ करते थे स्मार्ट स्मार्ट, और ऊपर तो पापा ही हैं मेरे फौजी साहब। और इस रूम में फ़ैन लगा हुआ है तो आवाज़ थोड़ी कम आएगी, एक तो लाइट यहाँ पर बहुत कम है तो उसकी वजह से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। ये है मेरे पापा, तो मेरे पापा सुविधा में इधर से रिटायर हैं, और लाइट लाइट लाइट, ये भी मेरे पापा ही हैं। तो पापा को डबल स्टार वाली फ़ोटो पापा की ये वाली है, ये जो दिखाई थी पहले सिंगल स्टार वाली है। ये था मेरा घर, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ मतलब इसके बारे में, यहाँ बहुत मेरा बचपन सब कुछ गुजरा हुआ है। तो हमारा पहले एक ही कमरा हुआ करता था जब हम छोटे थे, और जिसमें जो हमारा जहाँ हमारी भैंस रहती वो वाला गोट और उसका ऊपर वाला कमरा, उसके बाद मेरे पापा ने पूरा ख़रीदा किसी का, उसके बाद यहाँ पे घर बनाया।
और तो बहुत छोटा सा था, मम्मी पापा ने काफ़ी मेहनत करके इतना सब कुछ किया हुआ है, तो अच्छा लगता है। गांव में लोग तो बाहर चले जाते हैं, भाभी तो जाएंगी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, पर लिटरली गांव में बहुत मज़ा आता है क्योंकि सब कुछ फ्रीडम ही रहता है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना, और आई होप पसंद आया होगा, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल। और हाँ, प्लीज़ न्यू हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ऐसा था कुछ मेरा घर, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।